इधर राजद प्रदेश कार्यालय में उपाध्यक्ष तनवीर हसन ने झंडोत्तोलन किया। राजद उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारी शुभकामनाएं हैं कि गणतंत्र दिवस पूरे देश में राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व, भाईचारा का साथ लाए, देश के लोकतंत्र को मजबूती मिले। वहीं बिहार में चल रहे राजनीतिक वाद विवाद पर तनवीर हसन ने कहा कि इसमें सच्चाई नहीं है, महागठबंधन एकजुट है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, गणतंत्र दिवस का अवसर है। हर साल की तरह हमारी पार्टी ऑफिस में भी यह मनाया जाता रहा है। हमारी शुभकामना है कि गणतंत्र दिवस पूरे देश में राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व, भाईचारा ये सब लाए और देश में लोकतंत्र मजबूत से मजबूत हो। ये एक संदेश इस गणतंत्र दिवस से जाता है और इसकी पूरी शुभकामना है पूरे देशवासियों को। सर, ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन भी चल रहा है बिहार में, उसको कैसे देखते हैं? अफवाहें फैल रही है? अफवाहें हैं सर, बहुत ज़्यादा इसमें सच्चाई नहीं है, ये सब अफवाहें फैल रही हैं। महागठबंधन एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है, हर तरह से एकजुट है। महागठबंधन में कहीं पर से कोई कमजोरी नहीं है, मजबूती है। सर, जिस तरीके से मोदी ने जो ट्वीट किया था नीतीश कुमार के ऊपर, बीजेपी मांग, वो सब बात खत्म हो गई। आज सारे अखबारों में देख लीजिए कि सारी आ गई है बात, पुष्टि हो गई है कि कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मीडिया बहुत हाई तबा कल तक मचा रहा था, लेकिन ऐसी कोई सच्चाई कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। बीजेपी बोल रही है कि माफी मांगे सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार से। ये बीजेपी ऐसा ही करती है, जब वो किसी साजिश में शिकस्त खाती है तो किसी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने पुलिस लाइन में झंडे को सलामी दी। इस मौके पर पटना एसएसपी के साथ सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी और पुलिस लाइन के पुलिसकर्मियों ने झंडे को सलामी दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के करगिल चौक स्थित अमर जवान स्मारक के पास पटना के कमिश्नर कुमार रवि ने जवानों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों को नमन किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज यहाँ सभी जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गांधी मैदान पटना में मुख्य कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा झंडोत्तोलन का कार्य किया जाएगा और उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी हिस्सा लिया जाएगा। और यहाँ कारगिल चौक पर अमर शहीद जवान को सलामी दी गई है, उनके जो कुर्बानी थी उसको याद किया गया है। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त प्रमंडलवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज यहाँ सभी जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गांधी मैदान पटना में मुख्य कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा झंडोत्तोलन का कार्य किया जाएगा और उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी हिस्सा लिया जाएगा। और यहाँ कारगिल चौक पर अमर शहीद जवान को सलामी दी गई है, उनके जो कुर्बानी थी उसको याद किया गया है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर और घने कोहरे के बीच में पटना में कई जगहों पर झंडोत्तोलन हुआ। ये विधान परिषद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां उपसभापति ने झंडोत्तोलन किया और काफी संख्या में यहां पर कर्मी भी मौजूद रहे। यहाँ की राजधानी पटना में भी 75वें गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने घने मार्ग स्थित आवास पर झंडोत्तोलन किया और झंडे को सलामी दी। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।